जय हिंद दोस्तों, राम राम सभी को। आज का टॉपिक रहने वाला है अग्निवीर फौजियों के बारे में। तो दोस्तों, ये अपडेट है हमारे राजस्थान झुंझुनू ज़िले की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा झुंझुनू ज़िले के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा फौजी बनते हैं आर्मी के अंदर, ठीक है। तो अग्निवीर स्कीम लगाने के बाद क्या कुछ रहा दोस्तों, ये न्यूज़ है 22/6/2024 यानी कि जून का मंथ है। तो इसमें क्या लिखा, क्या कुछ है, तो दोस्तों मेन टॉपिक पे बात करते हैं। झुंझुनू से लोकसभा चुनाव हारे भाजपा के शुभकर्ण चौधरी कह रहे हैं, मैं अग्निवीर योजना के कारण हारा हूँ, एक दिन पहले भी स्कीम बदल देता तो जीत जाता। देख लो दोस्तों, देख न्यूज़ में भी आ रहा है ये, एक मतलब दैनिक भास्कर, ये एक स्कीम मानो कि ये न्यूज़ छापी है, नहीं ये न्यूज़ भी नहीं छापते क्योंकि सब कुछ मतलब बैन कर रखा, मीडिया माइडिया सब खत्म है इंडिया के अंदर। आपको बता दो, अग्निवीर की झुंझुनू के 5 गांवों के सैनिक बहुल बूथों पर भाजपा के 67% वोट घटे, बंद हुए 150 कोचिंग सेंटर। मतलब अग्निवीर स्कीम लाने के बाद मतलब कोचिंग सेंटर कोचिंग करते थे या तैयारी करते थे डिफेंस की, रनिंग की तैयारी करते थे या कुछ भी, 150 सेंटर क्या है, एकदम कबाड़ बन गए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैंने भी देखी है वहाँ जाके, ठीक है दोस्तों। तो ये भास्कर बाउंडर रिपोर्ट है, नौकरी स्थाई है, शादी के रिश्ते नहीं आते हैं, युवा पैरामिलिट्री फोर्स में जा रहे हैं भाग भाग। तो दोस्तों इस चीज़ का उधर शादी के रिश्ते रुके हुए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि अब बच्चे सबसे ज़्यादा क्या है, लड़के कहाँ भाग रहे हैं आपको, असम राइफल क्या आर्मी के अंडर में उनकी वर्दी रहती, आर्मी के अंडर में वर्क करता, उस हिसाब से वर्दी के चक्कर में क्या असम राइफल की भर्ती आती थी, वो भी CAPF के आधार में फंसा देते दोस्तों, एकदम ख़त्म कर दिया सब कुछ। पहले दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्स में इतना कंपटीशन नहीं रहता था, ये अग्निवीर स्कीम आने के बाद दोस्तों इतना कंपटीशन बढ़ा, कुछ भी दिख दो आगे, यानी कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ गई ना, तो उसमें भागने अग्निवीर को छोड़ के, क्योंकि 4 साल की कर दी, अभी इन्होंने बदलने के लिए बोला है कि 7 साल कर देंगे या 25% का 50% कर देंगे या इस स्कीम को 14 साल करेंगे या 7 साल करेंगे, कुछ भी ऐसा क्या जिक्र चल रहा है। लेकिन सरकार क्या, चुनाव लड़ना था, चुनाव कम्प्लीट हो चुके हैं, कोई लेना देना नहीं, एक भर्ती आती थी वो आर्मी की तरह मतलब रहता था, सारा क्या ऑनलाइन CVT की तरह कर दिया। पहले क्या जो कैंडिडेट फिजिकल में बढ़िया थे तो फिजिकल निकल जाए, ट्रेड में अच्छे थे, ट्रेड निकलने के बाद रिटर्न होता था, उसमें कंपटीशन कम हो जाता था। अब क्या आप पहले ही रिटर्न ले रहे हैं तो एकदम वही है, रिटर्न में जो तैयारी कर रहा है अच्छे खासी, या कोई ऐसे मानो मतलब मेन चीज़ है रिटर्न का क्या, वहाँ क्लर्क बना रहे हैं क्या या ऑफिसर बना रहे हैं, वहाँ पर पता है अच्छा खासा मोटियार चाहिए, एकदम बढ़िया वाला हस्त पुस्त चाहिए, तो वो चीज़ तो ले ही नहीं रही, कचरा भेड़ा कर रहे हैं सारी फोर्स में दोस्तों, ये चीज़ का बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ छोड़ी बाउंड्री रिपोर्ट हमें मिली है, तो ये इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ली, आपको कैसे क्या लगा है सुझाव एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अग्निवीर स्कीम हटाने के लिए राहुल गांधी ने मतलब बहुत योगदान दिया, मतलब बोल रहे थे कि हम उसको क्या चेंज करेंगे या बदल लेंगे क्या करेंगे, ये उसमें देखा जाएगा, मतलब चुनाव से पहले ये चर्चा चल रही थी। अब तो बता BJP की सरकार आ गई, अब वो बता दोस्तों, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कितने कैसे क्या सीट आई है पूरी चर्चा न करके दोस्तों आपको पता होगा क्या रहने वाला। और नीचे एक हेडिंग लगी है दोस्तों, पहले सेना भर्ती में जाते थे 50,000 युवा, अब जा रहे हैं 10,000 भी नहीं जा रहे, मतलब इसमें तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो ये ना मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो वो तैयारी कर रहे हैं, कोई वो जुनून और वो नहीं है। पहले 4 बजे जाते थे, सुबह 3 बजे जाते तो रोड पे मतलब बच्चों की इतनी भीड़ रहती थी, अब कुछ भी नहीं, कुत्ते को दौड़ते हैं कुत्ते सुबह सुबह, बस कुछ भी नहीं, आर्मी के बंदे दौड़ते थे, जुनून था अच्छा खासा। स्कीम चेंज करेंगे चुनाव से पहले तो चल रहा था, अब कुछ भी नहीं चल रहा दोस्तों। और क्या रहता क्या नहीं, सरकार है देखिए दोस्तों, 5 साल निकल जाएंगे ऐसे चर्चा करने में, कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, ये पता होगा आपको, ठीक है दोस्तों।